किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा, उसके अमल उसके लिए हैं,
बाकी इंसान जो मर्जी उसके पीछे करता फिरे उसको सवाब नहीं मिलेगा। एक फिरका कहता है कि पढ़ने वाले को यानी मरने वाले को पीछे सदका और खैरात करने वालों का सवाब मिलता है। अब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में आदि से पाक की रोशनी में इस मौजू पर रोशनी डालना चाहते हैं, आया के मुर्दे को सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीन आमनु, जो लोग ईमान लाए वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बीमान, अपने पीछे अपनी औलाद छोड़ी ईमान की हालत में वअलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी इत्तेबा की, हम जन्नत में उनकी औलाद को उनसे मिला देंगे और हम उनके आमाल में किसी किस्म की कमी नहीं करेंगे। इस आयत करीमा में रब कायनात फरमाता है कि वो मोमिनीन कामिलीन जो खुद नेकियां कमा गए, सालियत और तकवा की जिंदगी बसर कर गए, लेकिन उनकी औलाद अपने बुजुर्गों के दर्जे तक ना पहुंच सकी, मगर क्योंकि उनके बुजुर्गों के साथ निस्बत और तरबियत थी, उन्होंने अपने बुजुर्गों का रास्ता अपनाया, उनके रास्ते की ताबेदारी की, तो कल क्यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व ताला उनकी औलाद को अपने जो पिछले गुजर चुके हैं उनके साथ मिला देगा, यानी उनके दर्जे तक पहुंचा देगा। वजह क्या है? जो पिछले कमा गए, पहले कमा गए, उनकी तरबियत की वजह से उन तक पहुंच गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस पाक रिवायत है, आप फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में जिस शख्स के दो कम सन बच्चे फौत हो गए, वो कम सन बच्चे क्यामत वाले दिन वालिदैन के पेश रव होंगे कि उनको जन्नत में ले जाएंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत से जिस शख्स का एक पेश रव हो, तो प्यारे आका ने फरमाया वमन कान लहू फरतन या मुवफ़क़तन, फरमाया ऐ साहिबा उसको वो एक पेश रव भी जन्नत में ले जाएगा। क्या मतलब? किसी के दो बच्चे फौत हो गए कम सनी में, किसी का एक बच्चा फौत हो गया, कल क्यामत वाले दिन वो बच्चे अपने वालिदैन को लेकर जन्नत में चले जाएंगे। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अगर किसी का पेश रव ना हो, किसी का छोटा बच्चा फौत हुआ ना हो, तो उसका क्या बनेगा? मेरे आका ने फरमाया युसाब मिसली, जिसका कोई नहीं है उसका मैं होगा। फरमाया काला फाना फरतुन उम्मती नहीं युसाब मिसली, फरमाया जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, क्योंकि मेरी उम्मत को मेरी जुदाई से बढ़कर कोई सदमा नहीं पहुंचा। इससे मालूम क्या हुआ कि मरने के बाद औलाद भी अपने वालिदैन को फायदा पहुंचा सकती है। मरने के बाद औलाद भी अपने वालिदैन को फायदा पहुंचा सकती है और वालिदैन भी अपने औलाद को फायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरी हदीस पाक में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो मुसलमान वालिदैन में से किसी के भी तीन बच्चे नाबालिग फौत हो गए,
तो अल्लाह तबारक व ताला उन बच्चों पर अपनी रहमत और फजल के सबब व उनके वालिदैन को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आपने फरमाया उन बच्चों से कहा जाएगा उदखुलुल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो अर्ज करेंगे हम उस वक़्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक हमारे वालिदैन हमारे साथ नहीं जाएंगे। फिर फरमाया हत्ता उदखुलुल जन्नत अंतुम व आबाउकुम, फरमाया जाएगा तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे वालिदैन भी जन्नत। अल्लाह ने गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया वल्लज़ीन जाउ मिन बादिहिम यकूलून रब्बना अग़फिर लना वल इख़वानना अल्लज़ीन सबकूना बिल ईमान, जो लोग उनके बाद आए वो कहते हैं ऐ हमारे रब हमारी मग़फ़रत फरमा, हमारे उन भाइयों की मग़फ़रत फरमा जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। इस आयत में सिर्फ ये नहीं फरमाया गया कि हमारी मग़फ़रत फरमा, फरमाया गया कि हमसे जो पहले गुजर चुके हैं उनकी भी मग़फ़रत फरमा। कुरान मजीद और सुन्नत नबवी में जा बजा एक दूसरे एक शख्स को दूसरे के हक में दुआ करने की तलकीन की गई है। दुआ एक इबादत है। एक शख्स अपने किसी अजीज दोस्त के हक में उसकी सेहत के लिए दुआ करता है, उसकी मगफरत के लिए दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा के उस बंदे को सेहत भी अता फरमा देता है। अगर वो फौत हो गया उस बंदे की दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला उसकी मगफरत भी फरमा देता है। मैं भी नमाज पढ़ता हूं, आप भी नमाज पढ़ते हैं, और नमाज में जब हम पढ़ते हैं रब्बे जालनी मुकीम सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना ग़फिर ली वाले वालिदैय, क्या पढ़ते हैं ऊंची आवाज बोले रब्बना ग़फिर ली वाले वालिदैय, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा। अगर एक बंदे की दुआ का दूसरे को फायदा ना पहुंचता हो तो दुआ में बंदा ये दुआ क्यों मांगता है? ये आयत कुरान मजीद की आयत है। नमाज में जब बंदा पढ़ता है इससे मालूम हुआ कि एक बंदे की दुआ का फायदा उसके मुर्दे वालिदैन को भी होता है। रब्बना ग़फिर ली वाले वालिदैय, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा। सिर्फ वालिदैन तक ये दुआ महदूद नहीं, वालिल मोमिनीन यौम यकूमुल हिसाब, और मोमिनीन की भी मग़फ़रत फरमा। इससे क्या मालूम हुआ? अगर दुआ एक दूसरे को फायदा ना देती तो इस दुआ करने का मतलब क्या था? इससे मालूम हुआ कि हमारा अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा कुरान के मुताबिक है, क्योंकि हम अपने मरने वालों के लिए दुआए मग़फ़रत भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और ख़त्म भी दिलवाते हैं। ऐज़ाने गिरामी हकीकत ये है वो ज़ात आपकी दुआ से हर किसी को फ़ायदा पहुंचाती है। तभी उसने कहा कि बंदा जब नमाज पढ़ ले यानी मुझे राज़ी कर ले और मेरी रहमत का दरिया जोश में आ जाए, यानी जब बंदा नमाज पढ़ता है ये दुआ भी एंड में रखी गई है, जब बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है, तब बंदा पढ़ता है रब्बना ग़फिर ली वाले वालिदैय, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा। और ये दुआ वालिदैन तक महदूद नहीं है। फिर फरमाया वालिल मोमिनीन यौम यकूम
उल हिसाब, मोमिनीन की भी मगफरत फरमा। अजाने गिरामी, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस पाक रिवायत है, आप फरमाते हैं عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امتي امه مرحومه تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمن। حضرت انس سے روایت ہے, आप फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत मरहूमा अपनी कब्रों में गुनाहों के साथ दाखिल होगी। किसके साथ दाखिल होगी? गुनाहों के साथ दाखिल होगी। फरमाया व तखरुजु मिन कुबूरिहा, जब वो अपने कब्रों से निकलेगी ला जुनूब अलैहा, उसके ऊपर किसी किस्म का गुनाह नहीं होगा। वो हैरान होंगे, वो परेशान होंगे, हमारे ऊपर तो इतने गुनाह थे, हमने इतनी बदियां की थी, हमने किसी को धोखा दिया था, हमारे ऊपर इतने गुनाह थे, ये गुनाह मिट कैसे गए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब ने फरमाया, बेइस्तिगफारिल मोमिन, जब हम अपने भाई के लिए मगफरत की दुआ करते हैं, अल्लाह इसको माफ कर दे, तो अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ के सदका से उसके गुनाहों को मिटा देता है। फरमाया तमहासानहा, यानी उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। ऐजान गिरामी, अब इस हदीस पाक और पिछले कुरान पाक की आयत से मालूम यह हुआ कि जब बंदा मगफरत की दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला माफ फरमा देता है। ऐजान गिरामी, अल्लाह तबारक व ताला बंदे के गुनाह माफ फरमा देता है अगर बच्चा नमाजी हो, तो तब वो नमाज पढ़ता है तो कहता है रब्बा नग़फिर ली, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा। अगर बच्चा जुआरी है क्या वो मग़फ़रत की दुआ करेगा? अगर बच्चा जानी है क्या वो मग़फ़रत की दुआ करेगा? अगर बच्चा शराबी है क्या वो मग़फ़रत की दुआ करेगा? अगर बच्चा दीन से नावाकिफ है क्या वो मग़फ़रत की दुआ करेगा? अगर बच्चा डाकू है, वो बच्चा अपने बाप के लिए वालदैन के लिए मग़फ़रत की दुआ करेगा? नहीं करेगा। जब बच्चा नमाजी होगा तब बच्चा अपने वालिदैन के लिए दुआ करेगा। अगर बच्चा आलम दीन है तब वो दुआ करेगा। अगर बच्चा हाफिज़े कुरान है तब वो दुआ करेगा। अगर बच्चा नेक है, परहेजी है, तब वो अपने वालिदैन के लिए मग़फ़रत की दुआ करेगा। इससे मालूम हुआ कि अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो। जब बच्चा कुरान पढ़ेगा, जब बच्चा नमाज पढ़ेगा, नमाज में क्या कहेगा? रब्बा नग़फिर ली वाले वालिदैया, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा। तो ये कौन सा बच्चा करेगा? जो हाफिज होगा, जो कारी होगा, जो आलिम होगा। आपने माशरे में देखा होगा दो बच्चे होंगे, अगर किसी को डॉक्टर बना दिया जाए, किसी को आलिम बना दिया जाए, वो आलिम बच्चा अपने वालिदैन का आदब करेगा, डॉक्टर उतना आदब नहीं करेगा। लिहाजा इस पुरफितन दौर में अपनी मग़फ़रत का सामान करना चाहते हो, अपनी कब्र को रोशन करना चाहते हो, अपनी कब्र को बुक्का नूर बनवाना चाहते हो, तो अपने बच्चों को इल्मे दीन से आरास्ता करो। अजाने गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान पढ़ने से, सदका खैरात करने से
मैयत को सवाब मिलता है। हमारा ये अकीदा, हमारा ये नज़रिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, आप सब थोड़ा इधर तवज्जो करें, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत हदीस पाक है, قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب, यानी दो आदमियों की दुआ अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता है, उसकी दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। नंबर एक दावतुल मजलूम, यानी मजलूम की दुआ, व दावतुल मरई लिअखीही बिज़हरिल गैब, एक वो पर्दा जो अपने भाई के लिए दुआ करे जो उसका मौजूद ना हो, यानी उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। अनबी सईद अल-खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات امثال الجبال فيقول عنا هذا فيقول باستغفار ولد لك, मैं अर्ज कर रहा था कि अपने बच्चों को इल्मे दीन से आरास्ता करो, हाफिज़े कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, इस हदीस पाक, ये हदीस पाक सुनोगे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हजरत अबी सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े क़यामत एक शख्स को पहाड़ों जितनी नेकियाँ मिलेगी, कितनी नेकियाँ, पहाड़ जितनी नेकियाँ मिलेगी, वो हैरान होकर पूछेगा अल्लाह मैंने इतनी नेकियां की नहीं है, नेकियां कहां से आ गई, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, उसे बताया जाएगा तेरे बेटे का तेरे लिए मगफरत की दुआ करना नेकियों का सबब है। जब बच्चे मगफरत की दुआ करेंगे तो पहाड़ जितनी नेकियां मिलेंगी। क्या हम जो लोग जो ना सदका रोटी वगैरह खत्म वगैरह पे देते हैं, क्या इसका सवाब भी मिलता है, या ऐसे ही हम जो है ना लोगों को खिला देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मैयत की मिसाल डूबने वाले की तरह है, फरियाद करने वाले की तरह है, यम तजरो मिन अबिन वाउमिन औ वालदिन औ सिद्दीकिन, फरमाया जो अपने माँ बाप, बहन भाई या किसी गहरे दोस्त की दुआ का मुंतजर रहता है, फ़ायदा अल्लाह कत हो, जब वो दुआ उसे पहुँचती है तो उसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब होती है, बेशक अहले दुनिया की दुआ से अल्लाह तबारक व ताला अहले कुबूर को पहाड़ जितनी नेकियां अता फरमाता है, वइन्ना हदियतुल अहवाय लिल अमवात, ये मुर्दा के लिए हदिया है, और जिनके पास ये चीज़ें नहीं पहुँचती वो परेशान हो जाती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इज़ा मातल इंसान इन्क़ता अमलुहु, जब बंदा मर जाता है अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, इल्ला मिन सलासतिन, मगर तीन चीज़ों का सवाब मिलता है, नंबर एक सदक़तिन जारियतिन, सदक़ा जारिया, नंबर दो इल्म युन्तफ़ा बिही और वलदिन सालिहिन यदउ लहु, सदक़ा जारिया और जो इल्म पढ़ा गया उसका सवाब मिलेगा यानी आगे फैला गया, और जो औलाद नेक छोड़ गया जो उसके लिए दुआ करे। अल्लाह ने गिरामी, आप जरा सोचिए, क्या वो औलाद सदका जारी है जो बेनमाजी हो, क्या वो औलाद सदका जारी है जो नाफरमान हो, क्या वो औलाद सदका जारी है जो डाका डालने वाला हो, क्या वो औलाद सदका जारी है जो कुरान की तिलावत ना करती हो, क्या वो औलाद सदका जारी है जो रात्रि फिल्में देखने में गुजार दे, क्या वो औलाद सदका जारी है जो नए कल्बों में जाने वाला हो,
क्या वो औलाद सदका जारिया है जो गीबत करने वाला हो, क्या वो औलाद सदका जारिया हो जो चोरी करने वाला हो, क्या वो औलाद सदका जारिया है जो शराब पीने वाला हो, क्या वो औलाद सदका जारिया है जो फिल्में गाने सुनने वाला हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सदका जारिया वो औलाद हो जो माँ बाप का फर्मा बरदार हो। सदका जारिया वो औलाद है जो नमाजों की पाबंदी करता हो। सदका जारिया वो औलाद है जो कुरान पर अमल करती हो। सदका जारिया वो औलाद है जो दिन रात अल्लाह का जिक्र करती हो। सदका जारिया वो औलाद है अजीदाने गिरामी जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अजीदाने गिरामी, मैंने अर्ज किया था कि क्या हम जो है ना वो फल वगैरह देते हैं मुर्दा के सारे सवाब के लिए, क्या इसका सवाब पहुंचता है। हदीस पाक में है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला नो इस हदीस पाक के मरवी हैं, रावी हैं। फरमाया, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। क्या? जब अहले खानामा से कोई अपने फौत शुदा अजीज के लिए सदका व खैरात करके इसाले सवाब करता है तो उसके सवाब का तोहफा हजरत जिब्रील अमीन एक खूबसूरत थाल में रख कर उस कब्र वाले के सिरहाने जाकर पेश करते हैं। आई समझ बात? यानी कोई सदका खैरात करता है वो जाया नहीं जाता। हजरत जिब्रील अमीन एक खूबसूरत थाल में उस सदका खैरात को लेकर कब्र वाले के सिरहाने के पास जाते हैं, पेश करते हैं, कहते हैं, या साहिबल कब्र अमी के हाज ही हदियतुन अहदाह। फरमाया, इलैक अहल अहलुका फअतबलाह। फरमाया, ये हदिया ऐ गहरे कब्र वाले बंदे, ये हदिया तेरे घर वालों की तरफ से है, इसे कबूल कर। वो शख्स इसे कबूल कर लेता है, वो इस पर खुश होता है और दूसरे कब्र वालों को खुशखबरी सुनाता है। इसके पड़ोसियों को से जिनको इस किस्म का तोहफा नहीं मिला वो गमगीन हो जाते हैं। यह हदीस पाक अल मुअज्जमुल औसत में है। इन तमाम हदीस और कुरान पाक की आयात से मालूम हुआ जो हम सदका व खैरात करते हैं, जो हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, इसकी शरी हैसियत यह है कुरान पाक और हदीस की रूह से इसका सवाब मुर्दे को मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बे लम यज़ल, हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।